30 सेकंड्स कई गांव-गांव में घूमते रहती हूँ भाई साहब, यहाँ पे एक बच्चे यहाँ पे पेट में और यहाँ पे लेके घूमता है, पति को रात को ना नहीं बोल सकते हैं तलाक के डर से, ये सच्चाई भी। दोस्तों मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपकी धर्म में आस्था है और हमारे इतिहास में रुचि है तो आपने महाभारत का नाम जरूर सुना होगा और इसी महाभारत का एक अहम किरदार है द्रौपदी। द्रौपदी यानी पांचाली। द्रौपदी वो शख्स थी जिसने अपने पांच पतियों के साथ निभाया था, उनके साथ सहवास किया था और इसी द्रौपदी की वजह से ये पूरा महाभारत रचा गया था ऐसा माना जाता है। इसी महाभारत पर बी.आर. चोपड़ा का एक लोकप्रिय सीरियल आया था महाभारत, जिस महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाया था रूपा गांगुली ने। रूपा गांगुली अभी राज्यसभा की सांसद हैं भाजपा से। उन्होंने राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर बोलते हुए मुस्लिम महिलाओं का एक ऐसा दर्द बयान किया जिसे सुनकर पूरी राज्यसभा सन्न रह गई। हम आपको वो पूरा वीडियो बताएंगे, रूपा गांगुली ने मुस्लिम महिलाओं का क्या दर्द कहा और उन पर क्या बीतती है ये कहा। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे हमारा रोजाना के शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कई गांव-गांव में घूमते रहती हूँ भाई साहब, यहाँ पे एक बच्चे यहाँ पे पेट में और यहाँ पे लेके घूमता है, पति को रात को ना नहीं बोल सकते हैं तलाक के डर से, ये सच्चाई भी है इस देश में। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि मुझे एटलीस्ट 2 मिनट चुपचाप सुनने के लिए लोग धीरज रख पाएंगे। आप बोले। मैं ये कहना चाहूंगी, ये पति पत्नी के बीच की बात है। अगर समझे कोई पति ने गुस्से से नाराजगी से गलती से कुछ भी करके तलाक 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 कह दिया, अगर उन दोनों के बीच में प्यार है मोहब्बत है वो पत्नी के हाथ में होगा, वो पत्नी बोलेंगे ठीक है आपने इस बार गलत कर दिया मत करना, नहीं तो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अब चल ले चलेंगे, वो पत्नी के दायरे में रहेगा, पत्नी के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई साहब एक सेकंड, पत्नी के ऊपर रहेगा, आप पत्नी को सम्मान करिए, ऐसा मौका ही ना दे। तो दोस्तों रूपा गांगुली की बात आपको कैसी लगी हमें निष्पक्ष कमेंट करके बताइए। यदि आप सहमत हो तो अपने विचार इस वीडियो के अंत में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपका अपना YouTube चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान।